हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गैस, ये है सुबह का टाइम और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। आज सावन का पहला सोमवार भी है और मतलब इतना अच्छा मौसम है, यानी कि बस पूछो मत ना। और आज से ना सावन लग गया है, तो ये देखिए देखिए ना, मतलब इतनी खुशी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एकदम अच्छा मौसम हो गया आज सुबह से ही। तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और देखिए हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना कि बस क्या ही मैं बोलूँ। मतलब जब ऐसा मौसम होता है ना तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी बज गए 4:30। तो मैं सोची चलो मेरा ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज है संडे, तो ये ब्लॉग हो सकता है तो कल जाए। और आज ना बोलो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज ना मैंने इस तरीके से चोटी बनाई हुई है। तो आज ना मैं काफ़ी देर से मतलब वीडियो बना रहे थे, मुझे याद ही नहीं था कि मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करना। तो मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। अब बताइए चोटी कैसे लगी? इस तरीके से मैं पहले भी बनाती थी और बोलूँ ना टीवी दिया खराब, तो मैं इसको बोल रही हूँ बंद कर दे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ बोलो, टीवी देख रहे हो और क्या देख रहे हो? यही क्या है? प्याज भी लिया ना। तो अभी मैं पहले ये सब चेंज कर देती हूँ और मेरा मन हो रहा है मैं एक ड्रेस और पहन लूँ। मैं सवेरे से एक पहले साड़ी पहनी फिर ये वाली पहनी, अभी सोच रही हूँ एक ड्रेस और पहन लो और उसका भी वीडियो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता। फिर मन नहीं करता संडे, तो फिर इनसे बनवा लिया मैं, तो अकेले में कहाँ मन होता है। देखते तो बने रहिएगा ब्लॉग में कंटिन्यू। और अभी मुझे ना मार्केट भी जाना है, सब्ज़ी वगैरह ले कर आनी है, तो अभी इनको भेजा कुछ सामान लेने के लिए, ये ले आएंगे तब तक। और बाकी का जो मैं और ये साथ में जाएंगे, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते की सब्ज़ी लेके आते हैं और कल से फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, तो फिर कल से फिर वही रूटीन हो जाए। आज तो संडे था तो चल गया, ठीक है ना? तो चलिए बने रहिएगा। तो गाइस, वो वाली ड्रेस मैंने ना उतार दी थी और ये वाली मैंने शर्ट पहनी थी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। और आज ना मैंने सुबह से कई सारी ड्रेस मतलब पहनी और उसके बाद निकाली, क्योंकि मुझे शूट करना था वीडियो, तो इसलिए मैंने आज कई ड्रेस पहना। तो अभी मैंने ये वाली पहन ली है, तो अभी एक दो रील बनाना है मेरे को, वो बना लिया। और उसके बाद अभी हमें मार्केट जाना है सब्ज़ी लेने के लिए, तो फिर सोचा कि चलो सब्ज़ी लेने चलते हैं। और ये वीडियो मतलब कल का है, और जो आपने शुरू में क्लिप देखी थी वो आज मॉर्निंग की थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं ऐड करूँ। और सावन का ना आज पहला दिन है तो अच्छा लग रहा था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे मतलब मेरे को ना वो लेना था झोला, तो सब्जी के लिए वो देख रही हूँ, क्योंकि ना उसके बाद ना पता क्या हुआ था, झोला ढूंढते ढूंढते ना मेरा हाथ पिच गया था सूर्यक में बहुत तेज़ी से। तो अभी मैं यहाँ पे बात भी कर रही हूँ। और मेरा ना क्लेचर काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, ये भी नहीं मिल रहा था, अभी मेरा क्लेचर मिल गया है। तो यहाँ देखिए ना मैं अपना क्लेचर लगाने लगी, और लगाने के बाद जब मैंने सूर्य को बंद किया ना, तो मेरी उंगली उसमें पिच गई बहुत तेज़ी से। अब यहाँ से मेरे को अपनी जूती निकालनी है, तो सोच रही हूँ जूती ही पहन लेती हूँ। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबसे ज़्यादा हम लेडीजों को इंतज़ार रहता है कि मेहंदी लगाएंगे, ग्रीन कलर की साड़ी पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, तो किस किस को सावन का इंतज़ार रहता है, मुझे तो रहता वही। और कमेंट बॉक्स में बताना, दे दिखे ना मेरा हाथ में यहाँ पर लग गई बहुत तेज़ी से। तो कभी कभी ना जल्दी जल्दी हड़बड़ी में ना ऐसे होता है कि कुछ ना या नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो फिर अभी हम निकल गए तो गोलू बोलने लगा कि मम्मा मुझे भी चलना है, तो फिर हम उसको साथ में ले लिए, क्योंकि ना वो मेरे बिगैर नहीं रहता। मेरे को ना पसंद आ रहा था, मैंने झोले से ऐसे ही पूछ लिया था। तो मैं ना बोल तो रही थी, पर क्या ना कि वो टीवी चल रही थी तो वो सॉन्ग आ रहा था, तो फिर सॉन्ग पे तो कॉपीराइट आएगा, तो फिर वो मैंने क्या किया कि फिर से वॉइस ओवर करना ही ज़रूरी समझा। तो अभी देखिए हम लोग निकल गए हैं मार्केट, और यहाँ पे देखिए ना बारिश में ना थोड़ा सा ये रोत रहता है, ये किचिर पिचिर वाला वो रहता है, तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है। लेकिन अगर घर पर रह के ठंडी ठंडी हवा देखो तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैंने वहाँ से सब्ज़ी ले लिया है। यहाँ पर ना बहुत मतलब मार्केट लगती है एक इतवार को और एक उसको बृहस्पति को, तो यहाँ पर 2 दिन लगता है। तो
अभी यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आए थे, सब्जी ले लिया है। तो अभी फल वगैरह लेने हैं। फल वगैरह लेने के बाद मेरा मन हो रहा था कि मुझे गोलगप्पे खाने, तो अभी यहाँ पे हम गोलगप्पे वाला ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलता है। और फिर जब गोलगप्पे मिले तो लेकिन दो ही खाए थे, क्योंकि ना गोलगप्पे सील रहे थे बारिश की वजह से, तो फिर मन नहीं हुआ कि चलो गोलगप्पे खाएँ। क्योंकि इन दिनों में ना ये चीज़ ऐसी हो जाती, थोड़ा ना कम मन करता खाने का, बस ऐसे होता है कि घर पर हाँ कुछ बना के खा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और नहीं तो देखिए ना ऐसे होता कि कभी मन करता कभी नहीं करता है, क्योंकि बारिश में ना कीच फीच गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से नारियल पानी लेना था तो वो लिया। और उसके बाद देखिए ना, ये मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को कि मुझे ना ऐसे घर बहुत पसंद है। तो होता है ना कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये मतलब अच्छी लगती हैं, तो वही तो मैं बता रही थी इनको, देखिए ना कितना अच्छा घर है ये। और यहाँ पर मतलब थोड़ी महंगाई है अभी, तो ये देखिए मेरी इस तरीके की अगर कॉलोनी में मिल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि कॉलोनी में ना ये रहता है कि थोड़ी सी टेंशन नहीं रहती है। अभी तो खैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये जो है अभी अपने देखा ये वाला लिया है, तो ये भी मतलब अच्छा लगता है मुझे अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर से तो सब सेम ही हैं, और लेकिन अब देखिए ना घर हो या कोई भी चीज़ हो, जितना आप उसकी केयर करोगे वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी और इतने ही ज़्यादा दिन चलेगी। तो वही मेरा मानना है कि मैं अपनी हर एक चीज़ की केयर करके चलती हूँ, ना कि उसको ऐसे ही फेंक देती हूँ। क्योंकि देखो अगर केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, चाहे भले ही हम ही क्यों ना, अगर हम खाना पीना टाइम से नहीं खाएंगे तो हम भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे ये सब हर किसी का, जितना आप केयर करो उतना ही उसका फ़ायदा उठाओ। तो बस अभी तो मैं घर के लिए निकल गई हूँ सब्जी लेके, और देखते हैं कितनी देर में अभी पहुंचते हैं। दूसरा अभी मार्केट में हम वापस भी गए थे, थोड़ा कुछ रह गया था वो लिया था, उसके बाद फिर हम आए। तो ये देखिए, और पता है ये है कि हम ना संडे से संडे ही सब्जी लेते, और इस वाले रोड पे ना इतना अच्छा है कि आप होटल वगैरह इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे कि बस बहुत ही अच्छे। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कुछ बर्थडे वगैरह करना है या कुछ करना है, तो इस तरीके से अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी बस पहुंचने वाले हैं। तो किस किसने आज व्रत रखा है कमेंट में बताना, मैंने तो व्रत भी रखा हुआ है। तो मेरा मन था ऐसे ही कि चलो हम व्रत रखते हैं, 4 सोमवार व्रत रहेंगे आज, क्योंकि सावन में 4 जो सोमवार होते हैं उनको व्रत रखते हैं। तो अब की बार मैंने भी रखा हुआ है। तो ये देखिए मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद लाली बोल रही थी कि मम्मी ने तो गाने चला रखे थे, मैं उससे बातें करने लगी। बात तो ये बहुत अच्छी अच्छी कर रही थी, लेकिन वो सॉन्ग की वजह से ही मतलब मैंने म्यूट करना ज़रूरी समझा। तो वो कह रही मेरी बुआ है, मतलब से बहुत अच्छे से बातें करती है। तो ये देखिए गोलू इधर से उधर, उधर से उधर उछल रहा है। तो ये देखिए, और अभी इससे थोड़ी सी बातें की तो मैं इसके लिए मतलब इसको ना आम बहुत पसंद है, तो आम वगैरह लेके सारा कुछ लेके आई, और मोमोज भी लेके आई थी मैं बच्चों के लिए। तो चलिए अभी खाना पीना बनाते आके, पहले तो मैं नहाई, और नहाने के बाद फिर ये मैंने भिंडी बनाई, क्योंकि गर्मी हो रही थी और फिर पसीना पसीना सा हो जाता है। तो भिंडी में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, हरी मिर्च में बड़ी बड़ी डालती हूँ क्योंकि बच्चों के सामने आए तो वो निकल जाए। तो बस अजवाइन में मैं भिंडी को छोंकती हूँ, तेल डाला, अजवाइन डाली और भिंडी डाली। तो इसको अभी ऐसे ही मतलब चला के नमक डाल के तो इसको मैं रख दूँगी, और नमक डालने के बाद बस इसको ढक के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। और मेरे हस्बैंड को मुझे ये वाली भिंडी बहुत पसंद है, उनको मैं कभी भी देती हूँ वो कभी ये नहीं बोलते कि भिंडी नहीं खानी है ये और वो, तो भिंडी उनको अच्छी लगती है। तो ये देखिए अभी मैं इसको नमक डाल दूँगी, नमक डालने के बाद इसको ढक दूँगी। जब ये थोड़ा सा हल्का सा पक जाएगा तो इसके बाद इसमें नींबू डाल दो, क्योंकि जो लार सी बनती है ना वो नहीं बनती है और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी भिंडी को बनाती हूँ। और हम लेडीज होगा ना, संडे हो मंडे हो कुछ भी हो, लेकिन हमको छुट्टी नहीं मिलती है। तो जैसे कि मैंने बोला संडे था तो सब ऐसे ही पूरा दिन चला गया मेरा, कभी वीडियो बनाने में, कभी काम करने में, कभी इनको कुछ कभी इनको कुछ, तो इस तरीके से पूरा संडे निकल जाता है। तो अभी देखिए खाना पीना सभी ने खा लिया है, उसके बाद अभी किचन
साफ़ कर दिए सारी के सारी, आप लोग देख सकते हो। तो अभी ये थोड़ा सा दूध के बर्तन थे तो ये मेरे को धोना है तो वो मैं धो दूँगी, क्योंकि ऐसे बोलते दूध के बर्तन कभी झूठे नहीं रखने चाहिए, तो इसीलिए मैं दूध के बर्तन कभी भी झूठे नहीं रखती हूँ। तो या तो पानी करके रखो या फिर उनको धो के रखो, ये मेरा नियम होता है। तो ये थोड़े से बर्तन थे तो इनका पानी निकल गया था, तो सोचा इनको मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि अगर पड़े रहेंगे तो ऐसे सही नहीं लगेगा, या है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं साथ के साथ अपना काम निपटा देती हूँ। तो ये देखिए गैस, और यहाँ पर अभी ये मैंने दही जमा के रखी है, और सुबह ना ये दही बहुत ही अच्छी जमी थी। और उसके बाद यहाँ पर दूध रखा हुआ, दूध को मुझे फ्रिज में रखना है, तो थोड़ा अभी गर्म है तो अभी मैं नहीं रखूँगी, तो मैं हाथ लगा के देख रही थी, तो गर्म नहीं रखती हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज को भी ख़राब होने का डर रहता है, और दूसरा जो है कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं अभी उसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद ही रखूँगी। तो ये देखिए सारा कुछ इधर मतलब काम हो गया है, और ये दही का रैपर था तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कचरा है, मतलब जो खाने पीने का जो होता है, जो भाभी बर्तन धो के गई थी तो वो रह गया, तो बस वो मुझे अभी साफ़ कर दिया मैंने, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं रखती हूँ कि इनसे ना छिपकली कॉकरोच ये चीज़ें आती हैं, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो अभी बस देखिए मैंने ये बर्तन धो दिया है, और धोने के बाद पता है हम बिग बॉस देखा, बिग बॉस देखने के बाद रात के बज गए हमको 12, और 12 बजने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाने के बाद बज गया हमको 1। अब 1 बजे मेरा मन हुआ कि मुझे आम खाना है, तो अभी इन्होंने आम काट के दिया है, तो बस ये आम खा रहे हैं, क्योंकि आम मेरे को बहुत पसंद है। तो रात का 1 बजे हम आम खा रहे हैं, और वीडियो ऐसे बना रही थी वो ऐसे बन गई, तो मैं सोची चलो कोई नहीं, अब जैसे बन गया है वैसा ठीक है, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो देखिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि आप लोग भी सोचोगे कि झूठ बोल रही है। देखिए मैं टाइम दिखाती हूँ, 1 बजे में थोड़ा सा ही टाइम था। तो चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।